हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का भाग 2 है। दोस्तों, चैप्टर 2 का पार्ट 1 मैं कंप्लीट कर चुका हूं। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने इस चैप्टर 2 में बता दूं मैं आपसे, चैप्टर 2 में सीरीज चल रही है श्रृंखला के ऊपर आधारित जो प्रश्न होते हैं, सीरीज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो श्रृंखला के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है एग्जाम में। और दोस्तों, रीजनिंग का चैप्टर 1 जो था, चैप्टर 1 पूरा हो चुका है, जो अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे उसे क्रम में लगाया जाता है, दाएं साइड से बाएं साइड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला पे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इसमें पहले चैप्टर में मैंने दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाई थी, कैसे उसमें सीखा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आपने सोल्व करा। चैप्टर 2 है दोस्तों सीरीज के ऊपर, श्रृंखला का आपको पता है, श्रृंखला के ऊपर हर एक एग्जाम में दोस्तों, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें श्रृंखला के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता। तो दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 बता दी हैं, जो श्रृंखला के ऊपर बेस्ड है, सीरीज के ऊपर बेस्ड है। इस वाले में दोस्तों मैं बताऊंगा श्रृंखला का जो टाइप 3 है, टाइप 3 में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन, और टाइप 1 में आपने 2 में आपने देख लिया है किस तरह के क्वेश्चन है। दोस्तों, सीरीज के ऊपर जितनी भी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, हर एक टाइप के ऊपर दोस्तों मैं चार पांच क्वेश्चन हर एक टाइप के आपको बताता जा रहा हूं, हर एक टाइप के दोस्तों पकड़ बनाते चले, मजबूत होते चले जाए। और जो भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी बुक आपके घर पर है, उसी बुक में इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन को दोस्तों समझिए और अपनी बुक से उन्हें सोल्व करने की कोशिश कीजिए जो आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा बुक की ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों, बुक जो है आपके पास वो ही पर्याप्त है, उससे ही प्रैक्टिस करिए, उसी में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके इस तरह के। अब ये दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस के अंदर बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क का निशान लगा हुआ है, इन क्वेश्चन मार्क के निशान की जगह कौन सी संख्या आने वाली है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आने वाली है, ये बताना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क के निशान लगे हुए हैं, इनकी जगह कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ई है, एच है, एल है, ओ है, एस है, इनके बीच में कोई पैटर्न छुपा हुआ, वो पैटर्न दोस्तों हमें फॉलो करना है, और वो पैटर्न ही हमें बताना है कि वो पैटर्न ऐसा क्या पैटर्न है जिसको हम फॉलो करें। तो ये क्वेश्चन मार्क के निशान हमें भरने हैं एक तरह से आते। अब दोस्तों, इसमें बताओ कि क्या पैटर्न ऐसा छुपा हो सकता है जो इसमें दिया हुआ है, आपको दोस्तों ढूंढ के बताना है कि ऐसा कौन सा पैटर्न है, कि क्या पैटर्न हो सकता है। दोस्तों, अगर हम देखते हैं ई में कितना जोड़ते हैं, अगर एल आ जाए, ई में कितना प्लस करें कि एल आ जाए, बताओ, एबीसीडी, ई एफ जी एच आई जे के एल, क्या करेंगे दोस्तों, कितना प्लस करेंगे, अगर L तक पहुंचना हो दोस्तों हम कितना प्लस करेंगे, ए बी सी डी, ई के बाद F G H I J K L, H तक अगर पहुंचते हैं दोस्तों क्या प्लस कर रहे हैं, ई के बाद F G H, दोस्तों तीन प्लस अगर मैं करता हूं तो H आता है। अब H से अगर L पे पहुंचना तो क्या प्लस करेंगे दोस्तों, H से बाद L A B C D F G H I H I J K L, चार प्लस करना पड़ रहा दोस्तों, कितना प्लस करना पड़ रहा है, चार, पहले तीन प्लस करा था फिर चार प्लस करना पड़ रहा है। अब L के बाद दोस्तों O को आप देख सकते हैं क्या प्लस करेंगे, L L के बाद M N O, तो कितना प्लस करना पड़ा दोस्तों, तीन, यहां पे तीन प्लस हो रहा है। अब देखो फिर से चार ही प्लस हो रहा है, एन ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस, तो दोस्तों क्या पैटर्न निकल के आया, पहले तीन प्लस करने पे अगला आ रहा है, फिर चार प्लस करने पे, फिर तीन प्लस करने पे अगले वाला आ रहा, फिर चार प्लस करने पे अगले वाला आ रहा। तो अब अगले वाला किससे प्लस करने पाएगा दोस्तों, तीन प्लस करने पाएगा, तो एस में दोस्तों तीन प्लस कर दो, पी क्यू आर एस के बाद एस, पी क्यू आर एस टी यू B, तो अगले वाला क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे B आएगा, प्लस तीन करेंगे तो क्या आएगा B, अब कितना प्लस कर देंगे दोस्तों, चार प्लस कर दो, कितना प्लस कर दो, चार, KLM PQRST UV के बाद W, KLM PQRST UV
डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो दोस्तों कितना प्लस करेंगे, चार प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो पहले तीन प्लस करा था, फिर कितना प्लस करेंगे दोस्तों, चार प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, चार प्लस करेंगे, पहले तीन फिर चार फिर तीन फिर चार फिर तीन फिर चार। तो समझ गए दोस्तों क्या पैटर्न छुपा हुआ था, इस तरह का पैटर्न हो सकता है, हर एक क्वेश्चन में आपको ये पैटर्न ही फॉलो करना है दोस्तों कि क्या पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक तो हो गया, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो में क्या है, क्वेश्चन नंबर दो में हमें पैटर्न ही फॉलो करना है कि अगला पैटर्न क्या हो सकता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो में ही पता लगाना कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। ए के बाद दोस्तों क्या आता है, ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, मतलब शुरू में ए है तो लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में जेड। आपको बता दूं अपोजिट अक्षर क्या होता है दोस्तों, विपरीत अक्षर क्या कहते हैं, विपरीत अक्षर हमें कहते हैं जिन्हें जोड़ने पे 27 आ जाए, जैसे ए को जोड़ने में एक होता है, ए का मान एक होता है, ए एक नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, और जेड कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 26वें नंबर पे आता है। तो मतलब जिन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे दोस्तों 27 आ जाए, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं या एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, वो अपोजिट होते हैं वो नंबर, ठीक है। तो जिन्हें प्लस करने पर दोस्तों 27 आता है, वो नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उन नंबर को हम क्या कहते हैं, अपोजिट नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें अपोजिट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अपोजिट। तो ये ए है दोस्तों, यहां पे क्या है, जेड, तो ए एक है और जेड कितना है, 26 और एक कितने हो गए, 27 हो गए, तो इन दोनों को प्लस करने पे दोस्तों 27 आ रहा है, तो ये कैसे अक्षर है, दोनों विपरीत अक्षर है, दोनों अपोजिट नंबर है, ये चीज ध्यान रखना, ए में एक है, ये जेड 26 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 27, तो ये दोनों कैसे नंबर है दोस्तों, अपोजिट नंबर है, विपरीत अक्षर है, तो जो विपरीत होते हैं उन्हें ऐसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो ए का अपोजिट जेड है, सी का अपोजिट क्या है दोस्तों, एक्स है, ए के बाद आया बी, छोड़ दिया सी, सी के बाद डी और ई छोड़ दिया एफ, पहले बी छोड़ा फिर दोस्तों सी डी और ई छोड़ दिए, फिर दोस्तों एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई छोड़ देंगे, तो क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जे, और जे का अपोजिट क्या होता है, जे कौन से अक्षर पे आता है दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे दोस्तों 10वें नंबर पे आता है, तो ऐसे यहां पे दोस्तों देखो यू है, यू के बाद क्या छोड़ दिया, बी डब्ल्यू दो छोड़ दिए, फिर दोस्तों कितना छोड़ा, एक्स वाई एक छोड़ा, पहले दो छोड़ देते, अब दोस्तों कितने छोड़ने के आवाज आना चाहिए, तीन अक्षर छोड़ने के बाद वाला अक्षर हमें देखना है कि कौन सा है, तो अपोजिट से भी आ रहे हैं दोस्तों, दोनों तरीके से इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले वाला पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, दूसरे वाला पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, ए के बाद पहले बी छोड़ के सी आया, फिर दो छोड़ दिए दोस्तों एफ आया, फिर तीन छोड़ दिए जे आ गया, एक तो जे आ गया, अब ऐसे ही इधर से चल गए दोस्तों सीरीज पीछे से, यू के बाद पहले दो छोड़े तो एक्स आया, फिर एक छोड़ा जेड आया, पहले एक छोड़ा फिर दो छोड़े, अब दोस्तों तीन छोड़ने हैं, तो यू से पहले तीन कौन से आते हैं दोस्तों, के एल एम पी क्यू आर एस टी यू, के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू आर, ऐसे होता है ना, क्यू आर एस टी यू, तो यू से पहले दोस्तों तीन छोड़ दो, टी छोड़ देंगे, टी आर एस टी, ठीक है, टी एस आर, के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू आएगा, के एल एम पी क्यू आर एस टी, फिर यू आया, फिर दो छोड़ दिए बी डब्ल्यू, फिर एक छोड़ दिया एक्स वाई जेड, तो दोस्तों यहां पे जो तो अगला पेयर आएगा वो किसका आएगा, जे और क्यू का ये पेयर आएगा, समझ गए किसका पेयर आएगा, जे और क्यू का पेयर आएगा, तो ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखना दोस्तों क्या पैटर्न है, इस सीरीज में हमें पैटर्न देखना है कि इसमें क्या पैटर्न दिया हुआ है या क्या पैटर्न इसके अंदर छुपा हुआ है, उसको देखना है क्या है, इस पैटर्न में दिया दोस्तों ए बी सी डी एफ जी आई जे के, ठीक है, क्या है, आई जे के, ये तो इसमें देखो दोस्तों क्या पैटर्न हो सकता है, फाइंड करिए,
तो इसमें दोस्तों क्या पैटर्न हो सकता है ये देखना है। आई ए बी सी डी एफ जी एच, जी एच आई जे आई जे के, देखो आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे चल रहा है। के बाद एल छोड़ दिया, एम छोड़ दिया, फिर क्या है एम एन ओ पी के बाद एक छोड़ दिया इस बार पी क्यू, ठीक है दोस्तों। फिर कितना छोड़ दिया पी के बाद के एलेवन ओ के एलेवन ओ पी एम एन ओ पी, फिर दोस्तों पी के बाद क्यू आर दो छोड़ दिए फिर से क्यू आर एस टी के बाद यू, ठीक है। फिर दोस्तों यू के बाद दो छोड़ देंगे यू वी और डब्ल्यू छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा एक्स वाई और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों जेड, ऐसे आएगा एक्स के बाद वाई और फिर जेड। समझ गए क्या पैटर्न छुपा होता है, क्या पैटर्न आ रहा है। आई जे के एल एम छोड़ दिया, एन एम के बाद एम, एम के बाद एन ओ पी, फिर दोस्तों क्यू और आर छोड़ दिए, आर के बाद क्या आता है एस टी यू, फिर दो छोड़ दिए वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या था एक्स वाई और जेड, ऐसे कर, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा है, इसमें क्या कह रहा है इसे देखना है। के यू जेड एम ओ एक्स ओ आई वी क्यू ई टी, इसमें देखना क्या है इसमें क्या पैटर्न है दोस्तों, वही पैटर्न हमें फॉलो करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न छुपा हो सकता है। ये सारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी सीरीज, सीरीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको पता है सीरीज का चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप जानते हैं। तो इसमें क्या होगा के यू जेड एम ओ एक्स ओ आई वी क्यू ई टी, ये तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या पैटर्न हो सकता है, सबसे पहले ये ढूंढना है। अगर हम इसे देखते हैं दोस्तों पीछे से के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये है दोस्तों अगर इसे देखते हैं क्या जेड भी है, जेड के बाद एक्स भी है बी भी है फिर टी है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी के बाद क्या था दोस्तों यू, यू छोड़ दिया, यू के बाद क्या है बी आया, बी के बाद क्या था दोस्तों डब्ल्यू, डब्ल्यू छोड़ दिया, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, फिर वाई छोड़ देंगे ऐसे जेड आ गया। अब ऐसे इससे पहले वाला तीसरा अक्षर क्या होगा दोस्तों, तीन है ना, तो तीन ही अक्षर आएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा दोस्तों तीसरे वाला, टी से पहले क्या आता है के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर है एस छोड़ दिया होगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो लास्ट वाला तो निकाल लिया दोस्तों। अगर लास्ट वाले ही किसी में आपको आर मिल जाए, एक ऑप्शन में अगर किसी के लास्ट में आर लिखा हो तो वही आंसर होगा, ज्यादा रीजनिंग के चक्कर में मत पढ़ना, इतना टाइम नहीं होता है, जिससे पहले वाला हो जाए वही फॉलो करना। अब दोस्तों दूसरे वाला ढूंढते, दूसरे वाला कैसे आया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने छोड़ रहा है दोस्तों ई, ई के बाद एफ जी एच आई, तीन छोड़ रहा है दोस्तों, चार प्लस करने पा रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, चार प्लस करे तो आई आया, ठीक है, तो क्या छोड़ दिया चार, चार प्लस कर दिए, फिर इसमें देखते हैं आई में कितने प्लस करें, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो अब की बार कितने प्लस हो रहे हैं दोस्तों यहां पे जी एच आई, आई के बाद क्या रहा दोस्तों ए बी ए सी डी ई एफ जी एच आई, पहले दो छोड़ दे फिर चार प्लस करें, फिर दोस्तों छह प्लस हो रहे, कितने प्लस हो रहे हैं छह, तो क्या कर रखा है देखो ई में चार जोड़ो, इसीलिए ई एफ, इसे आगे आता है एफ जी एच आई, चार प्लस करने पाया, अब आई में कितने जोड़े ए बी सी डी एफ जी एच आई के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, अब छह प्लस करें, अब दोस्तों इसमें क्या प्लस करें ओ के बाद इलेवन, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, फिर दोस्तों कितने प्लस करें इन्होंने छह प्लस कर रखे, फिर से कितने प्लस कर रहे हैं छह, क्योंकि ओ के बाद फिर से क्या है एलिमेंट ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अब ये ओ आई वी मैंने ठीक लिखा है, गलत देख लेता हूं दोस्तों एक बार, ओ आई वी ये जो है ओ आई वी, ओ आई वी ठीक है, एम ओ एक्स, एम ओ एक्स है, ओ आई वी है, ये ओ आई वी ही है दोस्तों, चौथा जो है ओ आई वी ही है,
के यू जेड के एम ओ के एम ओ तो इसमें दोस्तों पैटर्न आप समझ रहे के जेड ये आ गया है, पूरा पैटर्न यही चल रहा है इसमें। पहले एक एक छोड़ के आ रहा था, लास्ट वाले में क्या आ रहा था जेड में से दो कर देते एक्स बी फिर पहले, अब दोस्तों छह छह चार चार छह छह चार चार। तो दोस्तों इसमें जो पैटर्न है इसे ध्यान से देखना, ये समझने की कोशिश करना क्या है, छह छह ये चार प्लस हुआ तो छह छह चार चार का पैटर्न है। क्या है, छह छह चार चार का पैटर्न है इसमें, पहले दूसरे वाले में दोस्तों छह छह चार चार का पैटर्न है, ठीक है। इसमें छह छह चार चार का पैटर्न दोस्तों दो से ही मैच कर जाता है, वैसे ऑप्शन किसी ऑप्शन के लास्ट में आर हो तो उस आर से ही मैच कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, अगले वाला चार प्लस कर देने हैं, तो किसमें चार प्लस करें दोस्तों, ए में, ए के बाद क्या बी सी डी ई, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ए होगा, क्योंकि पहले दो चार प्लस करेंगे फिर दो छह प्लस करेंगे, ये पैटर्न आ रहा जो ऑप्शन है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा तो आपको जल्दी क्लियर हो जाता, ऑप्शन अगर लिख देता तो। अब दोस्तों ये वाला देखते हैं लास्ट वाला, के बाद क्या था दोस्तों एल एम के एल एम के एल एम दो जोड़े फिर एम एन ओ फिर दो जोड़ दे दोस्तों एम एन ओ फिर दो जोड़ देगा के एल ओ पी क्यू आर एस पी क्यू के एल ओ पी क्यू आर एस तो आर एस आएगा दोस्तों, यहाँ पे आर आएगा यहाँ पे एस, तो इसका जो आंसर आएगा एस ए आर आएगा, कितना आएगा दोस्तों एस ए आर। तो सीरीज है दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कभी कभी, कंफ्यूजन भी हो जाते हैं, तो दोस्तों समझना पैटर्न क्या है, मतलब है मेन पैटर्न कैसे ये बनती है सीरीज, ठीक है। आपको पता है इन सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं पांचवे में क्या दे रखा है, पांचवे को ध्यान से देखना दोस्तों क्या है, ये पांचवे में है ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या नंबर आएगा ये पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या नंबर आने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या नंबर आएगा दोस्तों, ये प्लस करना है, ठीक है। तो दोस्तों ए में कितना प्लस कर रहा है, पहले दो प्लस करें ए बी सी, दो प्लस करने पे सी आया, फिर दोस्तों कितना प्लस कर रहा है ए बी सी के बाद क्या रहा है डी ई एफ, तो दोस्तों तीन प्लस करें फिर कितने एफ जी ए बी सी डी ई एफ क्या आएगा दोस्तों जी एच आई जे, फिर चार प्लस करें फिर जे के बाद कितने प्लस करने चाहिए दोस्तों जे के एल एम एन ओ, फिर पांच प्लस करें तो ओ आ गया, फिर दोस्तों कितना होना चाहिए छह प्लस, पहले दो तीन चार पांच अब छह होना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से, तो ओ में छह प्लस करेंगे दोस्तों कितना के एलमेंट ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, तो दोस्तों छह प्लस करने से क्या आएगा यू आएगा, क्या आएगा यू आ रहा है। अब यू में सात प्लस करके देखो बी आता है यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ऐसे पूरा का पूरा दोस्तों पूरा कर देते हैं तो कितना आ रहा है बी। तो दोस्तों समझ गए इसकी टाइप नंबर तीन मैंने आपको बताई है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना और जो दोस्त नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भी सीरीज ही चलेगी, पार्ट टू ही चलेगा, अभी सीरीज के ऊपर और भी बहुत सारे टाइप है उन मतलब दो चार टाइप और है दोस्तों ज्यादा भी नहीं है, तो सारे टाइप को बताऊंगा, पूरी वीडियो उसको ध्यान से देखिए, पूरे जो सीरीज है जो प्लेलिस्ट बनती जा रही है उसे ध्यान से फॉलो करें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।